जो इस बात को इंश्योर कर रहा था कि भाई इससे कोई स्ट्रिंग जनरेट होगा या नहीं होगा, उसमें हमने कहा था कि जो हमारी अपनी लॉजिक है या जो हम समझते हैं कि ये जो सीएफजी दी जाती है इसमें एस के पास सिर्फ ये पावर होती है कि जो स्ट्रिंग जनरेट करे, बाकी सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स जो हैं वो सपोर्टिंग होते हैं जो एस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अगर एस के अंदर नॉन टर्मिनल हैं सारे, तो अगर डी जो है वो बेसिकली रीचेबल है, जैसे हम कहते हैं कि डी का अपना इंडिविजुअल जो है, कोई तीन डी नहीं, यहाँ पे तीन डी की प्रोडक्शन है, तीनों में से कोई एक भी अगर ड्राइवेबल है यानी ड्राइव हो रहा है कॉन्स्टेंट से, तो हम कह देंगे कि ये वाला एलिमेंट कॉन्स्टेंट बन रहा है, चाहे इसके थ्रू हो रहा हो चाहे इसके थ्रू हो, जरूरी नहीं कि तीनों को ही होना जरूरी है, किसी एक को भी अगर हो रहा होता तो हम कहते हैं कि ये वाला डी जो है इस एस में जो टोकन जनरेट होने हैं उसमें ये डी जो है वो ड्राइवेबल है, यानी एक कॉन्स्टेंट जनरेट कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली कर रहा होता है चाहे इनडायरेक्टली कर रहा होता है। जैसे ये वाला बी जो है वो इनडायरेक्टली ड्राइवेबल है, कि सी भी कॉन्स्टेंट यानी टर्मिनल की तरफ जा रहा है और ए भी टर्मिनल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इत्तेफाक है कि ए और सी जो है वो डायरेक्टली टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सी जो है, ये बी जो है वो डायरेक्टली नहीं जा रहा, इन दोनों के थ्रू जा रहे हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम सारे सारे के सारे नॉन टर्मिनल के बारे में अगर ये प्रूफ कर दें सारे के सारे नॉन टर्मिनल ड्राइवेबल है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ऐसे जो है वो अगर हम चलना शुरू करें, पहले ए को हम ड्राइवेबल के थ्रू, फिर बी को ड्राइवेबल के थ्रू, सी को, तो एस जो है वो रीचेबल हो जाएगा अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरह, और हम कह देंगे कि एस जो है वो टोकन जनरेट कर। अगर फाइनली जब बाहर निकल जाते हो कोई एक भी नॉन टर्मिनल यहाँ पे रह जाए जो कि ड्राइव ना हो सके, तो हम कह देंगे कि ये जो है वो एस जो है वो कोई भी टोकन जनरेट नहीं कर सकता, यानी एम्प्टी है। तो उस बेसिस पे ये एल्गोरिथम हमने लिखा था, जो मार्किंग एल्गोरिथम हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसने कहा था कि जब आप बाहर निकले तो ये चेक करने के जो मेन स्टार्ट सिंबल है, ये जो स्टार्ट सिंबल है ये बेसिकली आपके पास ड्राइव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको इस तरह से हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट की तरफ लेके आएंगे। अगर ये मार्क नहीं हुआ है तो देन एक्सेप्ट, एल्स जो है वो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जाहिर है एस मार्क नहीं हुआ है, मार्क नहीं होने का मतलब है कि इसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो ड्राइव नहीं होता, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये एम्प्टी है, वरना अगर ये मार्क हो गया तो उसका मतलब है कि ये एम्प्टी नहीं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास में, और ये सिमुलेट हमने कहा था कि कोई भी एल्गोरिथम की फॉर्मेट में लिख दिया जाए, चाहे ट्यूरिंग थीसिस कहते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम की फॉर्मेट में लिख दिया जाए, तो बेसिकली वो जो है एक एल्गोरिथम जो है वो ट्यूरिंग मशीन से सिमुलेट हो सकता है। अब इसको अगर हम आगे जाए और हम इस बारे में डिस्कस करें, इसमें बहुत सारे और एल्गोरिथम थे, सारे पढ़ाना भी लोग प्रिंसिपल नहीं है, एक आइडिया दे दिया है, और एक एल्गोरिथम आप भी देख लीजिएगा कि किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। इसका अगला टॉपिक था इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। तो अगर हम इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करें कि जो ट्यूरिंग मशीन है वो एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम रखता ही नहीं रखता, तो ये बेसिकली हमारे लिए एक इशू होगा कि हम किस तरह प्रूव करेंगे कि ट्यूरिंग मशीन जो डिसाइडेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो इटसेल्फ डिसाइडेबल नहीं है, ट्यूरिंग मशीन जो है वो रिकॉग्नाइजेबल है। इसकी वजह ये है कि जब आप एक ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर आप एक ट्यूरिंग मशीन, जब जनरल ट्यूरिंग मशीन आप बनाते हैं, उसके अंदर तीन खसूसियात होती है, किसी लैंग्वेज के लिए बनाई जाएगी ये ट्यूरिंग मशीन, किसी लैंग्वेज के लिए आपने एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की है, और ये ट्यूरिंग मशीन जिस लैंग्वेज के लिए भी डिजाइन कर रहे हैं तो उसके स्ट्रिंग आप यहाँ पर जो है वो भेजेंगे, यानी ट्यूरिंग मशीन के साथ जो स्ट्रिंग है वो आप भेजेंगे कि ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो कहता है कि ये इसके इस स्ट्रिंग यानी इस वर्ड के लिए इसके पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक तो ये होता है कि ये एक्सेप्ट कर ले इसको, यानी इसको हॉल्टिंग पोजीशन पे लिया है, दूसरा ये है कि इसको रिजेक्ट कर दे, और एक और पोजीशन होती है कि हो सकता है कि इसके अंदर लूप बन जाए। अब लूप का मतलब ये है कि आप वर्ड भेजते रहें, यानी इसके कैरेक्टर आते रहेंगे, तो मशीन किसी भी सिस्टम में जो है वो हॉल्ट नहीं हो सकेंगे, आप उसको ढूंढ रहे। तो अब हमारे जहन में तो हमेशा ये होता है, सोच रहे हम ये होते हैं, अभी भी सुन के सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ये कैसे पॉसिबल है, ये इस डब्ल्यू तो कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, कोई ना कोई कैरेक्टर तो होगा, जैसे आप लिखेंगे ए बी ए,
तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये खत्म नहीं होगा? तो देखो हमारे ये जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिकग्नाइज करने वाली लैंग्वेज, लेकिन कुछ कंप्यूटेशनल लैंग्वेज होती है जो हमने बार बार डिस्कस किया, उसमें से एक एग्जाम्पल हमने पिक पिक की भी जो बार बार मैं आपको बताता हूँ। अगर पॉलीनोमियल को हमें मालूम करना हो कि इसके इंटीग्रल रूट्स हैं या नहीं है, तो ये एक डिफिकल्ट काम है कि अगर उसके ऐसा इंटीग्रल हमने इनपुट दे दिया जिसके रूट्स ऐसा पॉलीनोमियल इनपुट दे दिया जिसके रूट इंटीग्रल नहीं है, तो ट्यूरिंग मशीन उसके इंटीग्रल रूट ढूंढने में जो है वो सारी जिंदगी लगा देगी, तो वो एक लूप में फंस जाएगा। ठीक है, ये एक इशू है। लूप में फंसने का मतलब ये होता है कि वो बेसिकली सॉल्व हो। तो अब ये जो हम कह रहे थे कि इंटीग्रल इंटीग्रल रूट्स है या नहीं है, ये कोई रिकॉग्नाइज करने के बेसिकली प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर है पहले उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, उसके बाद फिर हम उस प्रोसेस को जो आगे चला था। लेकिन आज जैसे कि कोई वर्ड है और हम अगर उसको रिकग्नाइज करने वाले इशू से बात करें तो डेफिनेटली वो एक्सेप्टेबिलिटी, लेकिन हम ये भी कह रहे कि ट्यूरिंग मशीन की एबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है या लूप में करता है। लूप में कैसे जो है वो स्ट्रक होगा ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए। तो अगर अब हम ये बात करें कि एक ट्यूरिंग मशीन है वो ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल होता है, तो फिर वही बात आ जाएगी कि ट्यूरिंग मशीन के लिए ये बात बयान करना कि ये डिसाइडेबल है या ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल है, यानी ये रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज है या डिसाइडेबल। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर डिसाइडेबल है तो बिलोंग करेगा बेसिकली सिर्फ दो ऑप्शन के अंदर, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, और अगर ये रिकग्नाइजेबल है तो ये बिलोंग करेगा तीन चीजों के अंदर, एक्सेप्ट रिजेक्ट और लूपिंग। उससे हमें जाहिर होता है कि जो लैंग्वेज रिकग्नाइजेबल होती है वो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू डिसाइडेबल, क्योंकि इसका सेट जो है वो बड़ा है। अब ट्यूरिंग उसको रिकग्नाइज ना कर सके ये अलग बात, अब हम कह रहे हैं ट्यूरिंग मशीन इसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो क्या मतलब होगा कि जब वो कहता है एक ट्यूरिंग मशीन है वो डिसाइडेबल नहीं होता, तो हम कैसे मालूम करेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि CFG जो है वो नल है या नहीं है, यानी ये कोई कैरेक्टर जनरेट करेगा नहीं करेगा, ये एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। आपने कहा ये डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? हम इसको सिमुलेट करेंगे ट्यूरिंग मशीन में। ट्यूरिंग मशीन में सिमुलेट करने के बाद अगर ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबल होगी तो हम कह देंगे हाँ ये ट्यूरिंग मशीन, अगर ट्यूरिंग मशीन ये कह देगी कि डिसाइडेबल है हम कहेंगे हाँ डिसाइडेबल। इसी तरह से अगर कोई ट्यूरिंग मशीन है TM है ये डिसाइडेबल है या नहीं है या रिकग्नाइजेबल है, तो हम क्या करेंगे इस ट्यूरिंग मशीन को ट्यूरिंग मशीन से ही सिमुलेट करेंगे, इस ट्यूरिंग मशीन को इस ट्यूरिंग मशीन से सिमुलेट करेंगे और ये ट्यूरिंग मशीन बताएगा कि ये डिसाइडेबल है या रिकग्नाइजेबल। ये ऐसे कि जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर आप कंपाइलर रन करें तो कंपाइलर का काम क्या होता है, मतलब ये एक अजीब सी बात है कि ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट कर रहे हैं, तो कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर खुद एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर, लेकिन इसको आप देते क्या है, इसको आप देते भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो ये कंपाइलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर को रन करता है और उसके बेसिस पे जो है वो आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। इसी तरह डिबगर है, डिबगर भी यही करता है कि एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को लेके जो है वो बेसिकली रन करता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टूल्स है, तो वो सॉफ्टवेयर को लेकर, इसी तरह से यहाँ पे अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो एक TM जो है वो डिसाइडेबल है या रिकग्नाइजेबल है, तो हम इस TM को जो है वो एक TM के ऊपर जाके सिमुलेट कर देंगे। यानी अगर ये TM हमारे पास मेन है और हम इसके अंदर एक TM को रख के सिमुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम ये जो स्मॉल TM है इसको TM1 अगर कह दें और ये TM2 जो बाहर वाला TM है इसको TM2, इस TM2 को हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होगा? TM2 को हम कहेंगे कि तुम TM1 की डिस्क्रिप्शन एज ए इनपुट दो। समझ आ रही है? जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे कि अगर कोई TM जो है वो सिमुलेट कर रहे हैं हम और CFG के लिए, TM जो है वो किसी CFG के लिए हम सिमुलेट कर रहे हैं CFG के लिए, तो इसको इनपुट क्या दिया जाएगा? CFG की डिस्क्रिप्शन इनपुट दी जाएगी कि CFG किस टाइप का है, यानी इसका स्टार्ट सिंबल, इसके प्रोडक्शन और इसकी दूसरी चीजें जो है वो इस TM को जो है वो एज ए इनपुट जो है दी जाएगी। इसी तरह से अगर TM इस TM के बारे में TM1 के बारे में ये बताना है कि ये डिसाइडेबल है या नहीं है, तो हम इसको एक दूसरे TM से सिमुलेट करेंगे, लेट सपोज TM2 से। तो TM2 को इनपुट क्या मिलेगा? TM2 को इस TM1 का बेसिकली डिस्क्रिप्शन इनपुट मिलेगा। हम कहेंगे TM के हम ये बात पढ़ना चाह रहे हैं कि एक TM है यानी ट्यूरिंग मशीन है और वो बेसिकली डिसाइडेबल है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि हम इनपुट में क्या दे रहे हैं? देखिए इनपुट में एक टाइम दे रहे हैं, ट्यूरिंग मशीन ही दे रहे हैं,
ये बताने के लिए कि ये बेसिकली एक्सेप्ट यानी हॉल्टिंग प्रॉब्लम है, यानी हॉल्टिंग से मुराद है एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा या लूट भी जाएगा। अब कहेंगे इसके इनपुट में क्या दिया जाएगा, अब एक ट्यूरिंग मशीन, ये ट्यूरिंग मशीन इनपुट देने का मतलब क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इनपुट के तौर पर दी जाती है, ठीक है। और साथ में एक वर्ड दिया जाता है जो कि हम स्ट्रिंग जो कि इसके ऊपर सिमुलेट करते हैं, वो कहते हैं एम इज ट्यूरिंग मशीन एंड एम एक्सेप्ट डब्ल्यू इज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल इशू। ये एक ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल इशू है जो हम अपने इसमें सिमुलेट कर रहे हैं। तो हमने पहले भी इस बात को देखा था कि हम पूरा सिमुलेट नहीं करते, इसको सिर्फ एक वर्डिंग के अंदर या डेफिनेशन के तौर पर लिख देते हैं। तो कहते हैं गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थिंकिंग प्रोसेस क्या है, इसका करेंगे कैसे, कि थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो कहते हैं करेंगे ऐसे कि गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, यानी आप ट्यूरिंग मशीन के अंदर ट्यूरिंग मशीन को दे रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एंड सम इनपुट्स देंगे कैन बी डिटरमाइन वेदर द मशीन एक्सेप्टेड, ठीक है। और फिर ये डिटरमाइन करेंगे मशीन उसको एक्सेप्ट करें नहीं करें, जस्ट सिमुलेट रन द टीएम ऑन द इनपुट, और उसके बाद क्या करेंगे कि वो जो टीएम हमने सिमुलेट किया उसको रन करेंगे गिवन इनपुट। अब गिवन इनपुट हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं तो ये दोनों काम करता है, रिकग्नाइज भी करता है और कंप्यूटेशन भी करता है, यानी कंप्यूटेशन जितने जितने भी टास्क हैं वो भी आप इससे जो है वो कर सकते हैं और ये रिकग्नाइज भी जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि खाली रिकग्नाइज वाले काम को हम ध्यान में रखें जो है सोचे। तो क्या कहता है कि जो ट्यूरिंग मशीन सिमुलेट किया गया उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मली ट्यूरिंग मशीन, ये कहते हैं आवर एल्गोरिथम विल हॉल्ट एंड एक्सेप्ट, यानी हॉल्ट का मतलब होता है कि वो एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब है हॉल्ट हो गया, और वो रिजेक्ट करेगा तो उसका मतलब है हॉल्ट हो गया, लेकिन अगर वो लूप में आ गया तो उसका मतलब है कि ये किसी भी सूरत में हॉल्ट नहीं कर सकते, यानी ट्यूरिंग मशीन आपने जो इसको दी है मिसाल के तौर पर इस तरह से, ये आपके पास एक टी एम टू है जो कि इस बात को इंश्योर करना चाहता है, टी एम टू है कि जो ट्यूरिंग मशीन की डिस्क्रिप्शन मुझे मिल रही है एम कॉमा डब्ल्यू की, जो डिस्क्रिप्शन मुझे मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, एम कॉमा डब्ल्यू की डिस्क्रिप्शन, तो ये भी एक ट्यूरिंग मशीन है। अब इस ट्यूरिंग अवार्ड्स देखें, हमने इस ट्यूरिंग मशीन को टी एम टू से सिमुलेट किया, अगर ये ट्यूरिंग मशीन ऐसी है जो कि हॉल्ट हो जाती है, ठीक है, अगर ये ट्यूरिंग मशीन ऐसी है जो कि हॉल्ट हो जाती है तो डेफिनेटली टी एम टू भी हॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके पास दो ऑप्शन है कि ये एक्सेप्ट होगा, हॉल्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, इसी तरह से अगर हम देखें तो ये अगर ये जो ट्यूरिंग मशीन ऐसे एज इसको इनपुट दी जा रही है, अगर ये हॉल्ट नहीं होता बल्कि कोई लूप में फंसा हुआ है, ये एक लूपिंग कर सकती है, यानी जैसे भी हमने कॉलोनी में, तो जब हम इसको सिमुलेट करेंगे ट्यूरिंग मशीन में तो ये जो 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 हमारे पास मेजर ट्यूरिंग मशीन है ये ना तो उसको एक्सेप्ट करेगा ना रिजेक्ट करेगा, बल्कि इसको लूप में ये भी कहेगा कि ये एक लूपिंग कंडीशन है। अगर और सुनने में क्या कहना, अगर इस ट्यूरिंग मशीन जिसको मैं सिमुलेट करवा रहा हूँ, अगर इस ट्यूरिंग मशीन के पास ये पावर होती कि वो लूप वाले को भी रिजेक्ट कैटेगरी में डाल दे, क्या कहा मैंने कि ये ट्यूरिंग मशीन जो जिसको हम देखना चाहते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन इस टी एम टू से सिमुलेट होने जा रही है, तो अगर ये ट्यूरिंग मशीन हॉल्टिंग प्रॉब्लम के अंदर यानी हॉल्टिंग कर सकता है तो डेफिनेटली टी एम टू जो है इसके लिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट का इशू दे देगा, भाई एक्सेप्ट है। लेकिन ये ट्यूरिंग मशीन अगर एक लूप में फंस गया है, ये ट्यूरिंग मशीन एक लूप कंडीशन जनरेट करता है, तो ये ट्यूरिंग मशीन भी इसको जो है लूप में फंसा देगा और ना एक्सेप्ट की तरफ जाएगा ना रिजेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास ये पावर होता कि ये ट्यूरिंग मशीन जो है वो किसी लूप कंडीशन को रिजेक्ट में डाल दे, तो इसका मतलब है कि ये ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबल। लेकिन इस ट्यूरिंग मशीन इसका मतलब है टी एम टू के पास ये पावर नहीं है कि वो लूप को डिटेक्ट कर सके, टी एम टू के पास भी ये पावर नहीं है कि लूप को डिटेक्ट कर सके, समझ आ गया थे, तो इसलिए वो उसको रिजेक्ट में नहीं डाल सकते। लिहाजा स्टिल इसके पास, यानी अगर मैं कहूँ कि आप जो ट्यूरिंग मशीन टू बना रहे हैं जो कि इस वाले ट्यूरिंग मशीन टी एम वन को जो है वो डिसाइड करने जा रहा है, तो अगर ये लूप में है तो इस ट्यूरिंग मशीन के पास कम से कम ये पावर होना कि लूप को जो है वो रिजेक्ट में डाल दे, तो फिर हमारे पास दो ही ऑप्शन होंगे एक्सेप्ट, क्योंकि लूप भी एक्सेप्ट थोड़ी होता है, लूप रिजेक्ट होता है, तो लूप वाले को भी हम रिजेक्ट कर दें, समझ आ रही बात है। तो लेकिन ये ट्यूरिंग मशीन ऐसा नहीं कर सकता, इसके पास अभी ये पावर नहीं है कि वो लूप को रोक सके और लूप को बता सके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूरिंग मशीन जो यहाँ से आ रही है अगर इसके अंदर लूप है तो ये उसको लूप ही में फंसाएगा, लूप ही में रहने देगा,
एक्सेप्ट या रिजेक्ट में नहीं डाल सकता, इसलिए हम कहते हैं कि सो इट इज नॉट डिसाइडेबल, इसलिए हम कहते हैं कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो बेसिकली एक जो है वो रिकग्नाइजेबल इशू है, डिसाइडेबल इशू नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास ये पावर होती कि हम इस ट्यूरिंग मशीन को जो है वो लूप के बजाय रिजेक्ट में कह देते, क्योंकि लूप का मतलब होता है कि आप अभी तक अनसर्टेन है, आप बता ही नहीं सकते कि ये खत्म होने जा रहा है नहीं आ रहा, आप तो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर काम कर, पॉलिनोमियल को सोच के बाद काम कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल में हमने जो उसको इनपुट दिया है वर्ड, वो ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके इंट्रीगल रूप नहीं है, और साथ में हम उसको अब ऐसे रूप दे रहे हैं जो इंट्रीगल तलाश कर रहे हैं। तो अब इसी ट्यूरिंग मशीन में तो ढूंढता ही रहेगा ना कि हाँ भाई सिमुलेट किया हुआ तो ढूंढ रहा है, तो ये लूप में फंसा रहेगा, शायद अगला वाला रिजेक्ट कर दे एक्सेप्ट कर दे, शायद अगला वाला रिजेक्ट कर दे एक्सेप्ट कर दे, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, लूप में फंस गया। तो इसलिए ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। हाँ, अगर ये किसी को डिटेक्ट कर दे कि ये तो लूप में फंस गया है और उसको रिजेक्ट कर दे, तो फिर ये डिसाइडेबल इशू है, लेकिन इस ट्यूरिंग मशीन के पास ये पावर नहीं है कि ये इस लूप को डिटेक्ट कर सके, लिहाजा ये एक रिकग्नाइजेबल इशू कहलाता है। ये ट्यूरिंग मशीन मतलब है TM2। ये ट्यूरिंग मशीन जो TM2 जो कि किसी दूसरे ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करते हैं, उसको यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहते हैं, और इसको भी जो है हमारे ट्यूरिंग एलन ट्यूरिंग ने ही ड्राइव किया था। और ये ट्यूरिंग मशीन जो कि किसी दूसरे ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करे, उसको हम बेसिकली एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। और ये एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन जो है वो किसी ट्यूरिंग मशीन को जब सिमुलेट करता है तो वो एक रिकग्नाइजेबल इशू होता है, डिसाइडेबल इशू नहीं होता। कहता है ऑन, अब इन्होंने यहाँ पे सिंपल ये कहा हुआ है जो हम हमारा अपने मतलब स्टाइल है लिखने का, कहता है ऑन इनपुट एम, एम एक ट्यूरिंग मशीन है, डब्ल्यू यानी हम यू एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को के ऊपर सिमुलेट कर रहे हैं, ऑन इनपुट एम कॉमा डब्ल्यू वेयर एम इज अ ट्यूरिंग मशीन एंड डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, सिमुलेट एम ऑन डब्ल्यू, हम अब इस ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करेंगे अपने यूनिवर्सल के थ्रू, इफ एम एवर इंटर इन द एक्सेप्ट स्टेट, अगर एम जो है वो एक्सेप्ट स्टेट को आ जाए तो हम एक्सेप्ट कहेंगे, इफ एम एवर इंटर द इंटर रिजेक्ट तो रिजेक्ट कहेंगे, ठीक है, अगर ये हमने यूनिवर्सल बनाया। नोट, दिस मशीन लूप्स ऑन इनपुट एम, अगर ये जो मशीन हमने एज ए इनपुट दिया, अगर इसका लूप आ जाए, इफ एम लूप ऑन डब्ल्यू, which is why this machine does not decide ATM. इसका मतलब होगा जो जो ATM बना रहे हैं वो decide नहीं कर सकेगा accept or reject को. If the algorithm had some way, अब देखिए इन्होंने लिखा, if the algorithm had some way to determine that M was not halting, अगर M was not halting, अगर halting की तरफ नहीं जा रहा यानी loop में है, it could reject. अगर हम ऐसी machine बना लें कि जो halting की तरफ ना जा रहा उसको reject कर दें, तो hence ATM sometime called the halting problem. तो इसको हम basically halting problem. तो जो है वो कहते हैं कि अगर ऐसा halting problem का मतलब ये है कि अगर हम ऐसा कुछ कर ले कर सकते हो तो फिर हम उसको इस halting problem से जो है वो मतलब तो looping condition से निकाल सकेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा issue है नहीं। तो लिहाजा हम अभी तक तो यही कहते हैं कि जो हमारी ट्यूरिंग मशीन है वो ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल मशीन कहलाती है, ठीक है। तो यूनिवर्सल मशीन हमें समझा के आखिर में डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, कहता है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन सिमुलेट द कोड ऑफ द अनदर ट्यूरिंग मशीन, सिंपल वर्ड है कि एक ट्यूरिंग मशीन जो है वो सिमुलेट करती है किसी दूसरे ट्यूरिंग मशीन को, और ये हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन है। देखो यहाँ तक जो हमारा काम था ये बेसिकली एक लास्ट टॉपिक था जो कि हम एक स्टेज पे काम कर रहे थे, और अब हम कुछ इस तरह के इश्यूज पे जा रहे हैं जो कि बेसिकली अभी तक जितने पढ़े हैं वो इससे डिफरेंट इशू, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में ये यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन पढ़ा देना था लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं पढ़ाया था मैंने। कुछ अल्गोरिथम और भी इसमें लिखे हैं वो भी मैंने नहीं पढ़ाया, आप उसको देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम उससे डिस्कस करें। अब जो हम इशू की तरफ जा रहे हैं वो एक डिफरेंट इशू है जिसको हम डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं, डायगोनलाइजेशन मेथड कहते हैं, जो कि कैंटोर ने 1873 एक मैथमेटिशियन था उसने बेसिकली 1873 में जो है वो प्रूव किया था, और बाद में जो है वो हमने ट्यूरिंग मशीन के ऊपर इसको इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यकीनन पूछ सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है और मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, तो ये सीक्वेंस में बुक से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अनम्यूट करता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, मैं करके अगर आप पूछ लीजिए अच्छी बात है। जी सर, क्वेश्चन है तो पूछूं।
आंसर आपके क्वेश्चन में पूछें सर। नहीं सर फिलहाल तो नहीं। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे देखते हैं कि आपके सामा बोलो। हाँ ऐसा लग रहा तुम गिटार बजा रहे हो, आवाज तुम्हारी नहीं आ रही। चलो मैं ऐसा करता हूँ सबको म्यूट करके सामा को ऑन करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सामान तुम्हें तो पूछने तो तुम राइटिंग पूछ लो ठीक है। अच्छा देखो अब इशू ये है, डायगोनलाइजेशन क्या होती है। ये बेसिकली मैथमेटिशियन के हवाले से अगर हम बात करें तो उसने इस बात को प्रूव करने की कोशिश की थी कि एक इनफाइनाइट सेट जो होता है इसको कैसे हम काउंटेबल कह सकते हैं। एक बात यानी अगर हम एक इवन नंबर को या ऑड नंबर को किसी और ऐसी चीज को हम लेते हैं जो कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स रखता है, हम उसको किस तरह से काउंटेबल इनफाइनाइट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक बात। और दूसरा ये कि दो इनफाइनाइट सेट किस तरह से डिफाइन किए जाएंगे कि दोनों इनफाइनाइट सेट एक दूसरे के